नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 23 जुलाई। स्वराज के प्रणेता लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर सादर नमन। बात करेंगे 6800 को लेकर के। आयोग की टीम से मांग की जा रही है सभी टीमों के द्वारा कि अब एक रास्ता बचा है, बस शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना हो, सरकार पर दबाव बनाया जाए, अर्जेसी फाइल करें। अब गवर्नमेंट यही करेगी कुछ, तभी कुछ हो पाएगा, ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। सभी की ओर से कहा जा रहा है कि आयोग को टीम को बिना देरी किए हुए धरने का आह्वान करना चाहिए। टीम की ओर से जारी आगे के सुझाव के अपडेट में लिखा गया है, सुझाव ये है कि आगे अपनी नियुक्ति के लिए सरकार ने कहा है कि कोड को देख लिया जाए, फिर अगर नहीं होगा तो हमारे पास पर्याप्त पद हैं, हम अपने हिसाब से नियुक्ति कर देंगे। अपडेट तो मान के चलिए लंबी मिली है, तो सरकार पे ही दबाव बना के प्रयास किया जाए। आप रिक्त सीटों का डाटा इकट्ठा कर लें, जो 69,000 में खाली रह गई है, तो अगर ये डाटा का देखेंगे तो लगभग 4,000 से ऊपर की हैं, और 6800 रिक्त सीटें हैं, तो सभी लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। अगर ये 4,000 से ऊपर है फिलहाल, अभी कई नियुक्तियाँ निरस्त भी की गई हैं, जैसा कि कई दिन से लगातार जो फर्जी टेट या फिर अन्य के कारण नियुक्तियाँ जो रद्द की गई, उनको मिला करके ये लगभग 6800 अगर हो रहे हैं जो 69,000 में ही खाली है, तो सभी लोगों को नियुक्ति दे दी जाए और कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया जाए कि 69,000 के अंदर ही भर्ती पूरी की गई है, 69,000 के ऊपर भर्ती नहीं की गई है, बाकी जो भी ऑर्डर आएगा फॉलो किया जाएगा। तो वहीं आज 69,000 शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के जो 6,696 में चयनित सभी साथियों को एक वर्ष की परीक्षा काल सकुशल पूर्ण होने की हार्दिक बधाई। सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए और मंत्री जी से मिलकर के ही ये हो पाएगा, अर्जेसी फाइलें लगाई जाए या फिर जो भी सीट खाली हैं और जो भी पूरे कलेक्ट डाटा करके 6800 को नियुक्ति दिया जाए, ताकि 69,000 के अंदर ही उन सबको नियुक्ति पूर्ण हो सके। फिलहाल शाम तक टीम की रणनीति भी जारी हो जाएगी। टीम का यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर नहीं किया गया तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के बाद अगर एक और डेट मिला तो फिर साल चला जाएगा, क्योंकि सितंबर का 2 महीने का जो डेट दिया गया है काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पर सभी की ओर से यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार के ऊपर दबाव बना करके एक धरना करके जल्दी से जल्दी नियुक्ति के लिए दबाव डाला जाए, 6800 की नियुक्ति 69,000 की बची हुई सीटों से पूरा किया जाए। अब बात करेंगे उन 5 बिंदुओं पर जो 6800 के फेवर में हैं। तो यहाँ पे 5 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जो 6800 के फेवर की ओर हैं, जिसे नंबर एक है, ये है कि 2/7/2022 यानी कि 2/7/2022 को कट ऑफ जारी किया गया। ये सबसे अच्छी बात यह है कि कट ऑफ को जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया गया था आयोग की ओर से, जिसमें जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था, हम आपको बता देते हैं फिर से, विभाग ने जो जारी किया था 69.07 जनरल का, 65.53 ये ओबीसी का, और 61.55 ये एससी कैटेगरी का जारी किया गया था कट ऑफ। तो 69.07 जनरल, 65.53 ओबीसी और 61.55 ये एससी कैटेगरी का कट ऑफ था। बात आती है पॉइंट नंबर 2 की, 17/7/2022 की बात है, जिसमें सरकार ने लिखित में कोर्ट में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ही भाग है 6800 रिजर्व कैंडिडेट, यानी कि 6800 का जो ये लिस्ट जारी किया गया है रिजर्व कैंडिडेट का, ये 69,000 के ही भाग है, ना कि कोई बाहरी भाग है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, 4,000 से 5,000 सीटें खाली हैं, ये जैसा कि आपको बता रहे थे कि अभी इसी सीटों पे बात हो रही है कि 4,000 से 5,000 सीटें लगभग खाली हैं, ये बहुत पहले की डाटा है, और लगभग इधर बीच कई नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, जिसमें टेट की नकली मार्कशीट या फिर अन्य डॉक्यूमेंट की कमी, और कई लोगों का कई अन्य परीक्षाओं में सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने रिजाइन किया है। तो ये लगभग इधर अगर देखेंगे तो 5 ये है, तो 3,000 से या ऊपर सीटें तो खाली ही होंगी, तो कुल मिला करके उन सीटों पर अगर नियुक्ति दी जाती है तो ये पॉइंट 3 मजबूती है कि 4,000 से 5,000 जो पहले की डाटा के अनुसार खाली है, भी नए डाटा के अनुसार सीटों का संख्या और बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4,
ये कोर्ट का है, जब कोर्ट ने कहा कि हमारी ओर से कोई स्टे नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख है, कोर्ट ने कहा नो स्टे, यानी हमारी ओर से कोई स्टे नहीं है। 6800 की लिस्ट पे कोर्ट का स्पष्ट है, उसने कहा ये सरकार को तय करना है कैसे आपको नियुक्ति देगी। हमारी ओर से सिर्फ एक ही चीज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सीट के बाहर एक भी भर्ती स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में सरकार ने उनको क्या कहा है भी तो ये नहीं क्लियर है, क्योंकि अब अगर ये सीटें बची हैं तो ये 69,000 के अंदर की सीटें ही हैं, इस पर भी कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, NOC टू कैंडिडेट जो है यहाँ पर उनको भी अपीयर कर दिया गया है भाग लेने में, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो उनको भी उसी में से सीट बाहर से ही देना होगा या कहीं से देना होगा। तो ये भी एक मजबूती है, क्योंकि जो 69,000 से अगर बाहर जाएगा तो NOC वालों को खुद कोर्ट ने कहा है नियुक्ति देने के लिए। अगर वो कट ऑफ में आते हैं उसमें तो कहा गया है, ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट है 6800 की मजबूती को लेकर के। बात करें तो रिटायरमेंट है 28/9/2022 को 6800 की नियुक्ति की सुनवाई कर रहे हैं जज साहब की, तो जस्टिस राकेश श्रीवास्तव सर का। बात करें आज की, तो शिक्षक अधिकतम 50,000 मानदेय पर रखे जा सकेंगे। ये तदर्थ शिक्षक की बात हो रही है, सरकार इनके लिए व्यवस्था कर रही है कि इन्हें बाहर निकालने के बजाय 50,000 मानदेय पर रख सकती है।